बॉलीवुड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं चटपटों के साथ। आपको बता दें कि अडवाणी इंडस्ट्रीज के पॉपुलर अभिनेत्रियों में शुमार, वैसे तो फिल्मों की लिस्ट छोटी है, लेकिन दो फिल्मों की निभाई किरदार ऐसे रहे दो जो दर्शकों के दिलों में उतर गए। आज भी लोग इन्हीं करीब लास्ट स्टोरीज को मेघा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 मैं कियारा ने फिल्म फगली से डेब्यू किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठप हो गई थी। फिल्म में ये देवी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि साल 2016 में ये फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरीज में नजर आई थी। इसमें इन्होंने सुशांत के सिंह राजपूत के साथ साक्षी राउत का किरदार भी निभाया था। साल 2017 में ये फिल्म मशीन में दिखाई गई थी। आपको बता दें कि जिसमें इन्होंने सारा थापर का कैरेक्टर प्ले किया था। इसके बाद फिल्म भी उनकी और रिलीज हुई थी। साल 2018 में कियारा नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई थी। मेघा के किरदार में नजर आई थी वो, और सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म भरत एएनई नानू ने वासुमती के रोल में कियारा ने साउथ में भी अपना जलवा बिखेरा था। साल 2019 की बात करें तो कलंक कबीर सिंह और सिक्का और ग्रह न्यूज और मोनिका बत्रा जैसी बड़े सुपरकास्ट फिल्मों में कियारा ने लीड रोल किया था। वहीं साल 2020 में नेटफ्लिक्स फिल्म गिल्टी में कियारा का एकदम अलग रूप देखने को मिला था। बिग बॉस ओटीटी का टाइगर जीतने के बाद विनर बने दिव्या अग्रवाल को आखिरकार समय मिल ही गया। अपने चहेते फैन से बात करने का और उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद करने का। दरअसल हाल ही में दिव्या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फैंस से मिलने और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए लाइव आई थी, जहां उन्होंने काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी है। उन्हें फिनाले के डांस परफॉर्मेंस से पहले बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का पता चला था। खबर उनके सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। अभिनेत्री सिद्धार्थ शुक्ला अपना खूबसूरत दोस्त बताया था। दिव्या अग्रवाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, जिस वीडियो में वो उन्होंने कहा है कि किसी ने सही कहा कि उन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें हम अक्सर खो देते हैं। मैंने अपने फिनाले से पहले सिद्धार्थ शुक्ला की दिल दहला देने वाली खबर के बारे में सुना है। ये खबर मेरे लिए चौंकाने वाली है। खबर थी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी था, मुझे बहुत लोगों ने प्रेरित किया है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम खो देते हैं, वे दूर नहीं जाते हैं, वे हमेशा हमारी यादों और बातचीत में रहते हैं। दिव्या अग्रवाल ने यह भी कहा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो शेयर उन्होंने करी है। रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, फैंस उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट देने के एक फिटनेस गोल्स का भी नजर आते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने खुद के 6 पैग एब्स भी की फोटो एक शेयर की हुई है। इनमें से एक फोटो में रणवीर सिंह शावर लेते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस इनके बोल्ड लुक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मनीष मल्होत्रा ने फोटोज पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, उप्स वाओ। इसके साथ ही कुब्र सेठ ने लिखा है कि आप नहीं रो रहे थे, रो तो हम रहे हैं। बता दें कि रणवीर सिंह हाल ही में फैंस और फॉलोअर्स के साथ सोशल सेशन किया था, जिसमें उन्होंने अपने मजेदार जवाबों में दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस सेशन में दीपिका ने कमेंट करते हुए लिखा कि घर कब आ रहे हो। इसका जवाब देते हुए रणवीर ने कहा कि खाना गर्म कर लो बेबी, मैं आ ही रहा हूं। जल्द ही रणवीर अपने ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी है कि रणवीर ने नेटफ्लिक्स संग एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर रियलिटी शो का करार भी कर दिया है, और अब रणवीर उन लेटेस्ट बॉलीवुड ए लिस्ट स्टार की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। थिएटर के गिरते बिजनेस को देखकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अपना रुख अपना रहे हैं। रणवीर ने नॉन फिक्शन शो को चुन लिया है और अपने धमाकेदार डेब्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स से
आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्र की माने तो रणवीर इस शो में कुछ ऐसा करते हुए आएंगे जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति 13 की मंगलवार को शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि इसमें रोल ओवर कंटेस्टेंट ओशीन पटवा के साथ हुई है और जबलपुर को है। और ये आपको भी बता देते हैं कि आयुष्मान खुराना और पर्सनैलिटी के मामले में सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी पसंद आ रहे हैं। ओशीन ने 12,50,000 के सवाल पर खेल को क्विट करने का फैसला लिया है। वहीं 6,40,000 रुपए जीत कर लेकर गई हैं। टीवी का पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 13 की मंगलवार को शुरुआत रोल ओवर कंटेस्टेंट ओशीन पटवा के साथ हुई है। ये जबलपुर की हैं और एक यूट्यूबर हैं। एक्टिंग के मामले में इनकी काफी सराहना होती है। आयुष्मान खुराना और पर्सनैलिटी के मामले में सिद्धार्थ मल्होत्रा इन्हें काफी पसंद हैं। ओशीन ने 12,50,000 के सवाल पर खेल को क्विट करने का फैसला लिया। वो घर के 6,40,000 रुपए जीत कर लेकर गई हैं।